Hello, I am Samiksha Arora, Director, EMC Group of Hospitals. And today we are going to discuss about this magical Russian technique, which is a miracle for orthopedic surgeries, known as Elizarov technique. And with me, I have Dr. Ajay Abrol, who is the head of department for orthopedics and joint replacements at EMC Group of Hospitals. This man is a pioneer in this technique, and he has done more than 4,000 Elizarov surgeries. So who better than him to understand why this technique is so efficient and important for the patients? And today we are also going to discuss with him the case of a 35-year-old female patient from Punjab, who he has operated on very recently. So let's get into this discussion. Sir, early this week, you have discharged a patient, 35-year-old young female mother, who came to you with an injury. तो इस पेशेंट को दो साल पहले थाई बोन में फ्रैक्चर हो गया था, बहुत सीवियर इंजरी हो गई थी, जिस वजह से सर इनकी बोन गल चुकी थी. एंड उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन कराया दो साल पहले. ऑपरेशन के बाद फिर से इन्फेक्शन हो गई, तो उसके लिए दोबारा ऑपरेशन हुआ, लेकिन इन्फेक्शन बढ़ती गई और पेशेंट की जो बोन थी हड्डी गल के छोटी हो गई. तो ऐसी कंडीशन में जब वो पेशेंट ईएमसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में डॉक्टर अब्रोल के पास आए, तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन थी पेशेंट की. हड्डी बिल्कुल जो फीमर बोन थी ख़राब थी. एंड वहाँ से सर ने पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया. 8 महीने में ये ट्रीटमेंट कंप्लीट किया गया और कुछ ही दिन पहले हमने पेशेंट को डिस्चार्ज किया है. सो सर, प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट दिस केस. ये यंग वुमेन थी, अराउंड 35 ईयर्स या 34 ईयर्स ओल्ड, जिसका कि फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर हुआ था फीमर का. फीमर मीन्स कि थाई बोन का. और उसके लोकल जहाँ पर वो हैं वहाँ पर ऑपरेट हुआ कोई ऑर्थोपेडिक सेंटर में, और सर्जरी के बाद कुछ देर बाद वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया जिसके कारण कि जो बोन है, जो थाई बोन है जहाँ पर फ्रैक्चर था, वो हड्डी उस हिस्से में गल गई. तो सर गल के हड्डी का साइज ही कम हो गया. गलने के बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे जो बोन है वो डैमेज होती रहती है और छोटी होती रहती है. और उसमें क्या है कि जब हमारे पास वो पेशेंट आया तो जो इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा पस निकल रही थी और तंग थी पेशेंट. सो ऑब्वियसली जब पेशेंट की एक टांग दूसरी टांग से छोटी हो गई है तो छोटी चलने में नहीं, जुड़ी भी नहीं है ना, हड्डी जुड़ भी नहीं है. सो सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो होता है कि इन्फेक्शन में हड्डी को जोड़ना. सो इसके लिए जो रशियन मेथड है, दैट इज इलिजरोव मेथड, सो वही हमने ऑप्ट किया इस पर. और उसके अंदर जो डेड बोन्स थी वो सबको निकाला गया. सो टोटल जो शॉर्टनिंग थी वो 3.5 इंच के करीब हो गई. राइट. अब हमारा जो पहला एम था वो था कि इसको हड्डी को जोड़ा जाए. दूसरा एम है कि उस लिम्ब को रिस्टोर किया जाए जो कि दूसरी साइड की है. सो उसमें हमने सर्जरी जो है वो एक सिंगल स्टेज सर्जरी की थी, जिसमें ये इलिजरोव मेथड यूज किया गया. फर्स्ट स्टेज जो है वो कंप्लीट हुई, उसमें इन्फेक्शन बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया. और जो दूसरी स्टेज थी वो जब इन्फेक्शन टोटली ख़त्म हो गया तो सेकंड स्टेज के ऊपर हम आ गए कि उसकी अब लेंथ को बढ़ाया जाए. राइट. सो लेंथ 3.5 इंच जो थी वो बराबर की गई. अब जो पेशेंट है उसको जो हमने कंप्लीट उसकी ट्रीटमेंट हुई है तो अब उसकी हड्डी जुड़ी हुई है, वो चल रही है और कोई इन्फेक्शन नहीं है उसमें, और जो लेंथ है वो दोनों टांगों की बराबर है. एंड शी इज हैप्पी, खुश है. सर थोड़ा सा बताओ इलिजरोव टेक्निक के बारे में थोड़ा सा और, कि कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें ये टेक्निक बिल्कुल ही एक तरह की बून साबित होती है, वरदान प्रूव होती है. आपने तो 4,000 से ज्यादा इस टेक्निक से केसेस किए हैं. हाँ जी. तो थोड़ा सा इसके बारे में और बताओ. मैं देखो ये टेक्निक जो है ये इसको आप ये मान के चलो कि बोन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इससे की जा सकती है. रिकंस्ट्रक्शन मीन्स कि जहाँ पर बोन है टूटी हुई है वहाँ पर भी, जहाँ पर बोन नहीं है नई बोन बनानी है वहाँ पर भी,
और बोन है और टेढ़ी बोन है उसको सीधा करना है उसके लिए। सो ये हर जगह पे ये वाली टेक्निक यूज़ की जा सकती है, पर जो इस टेक्निक ने जो जो रेवोल्यूशनाइज किया ऑर्थोपेडिक्स को वो मेनली था कि जो इन्फेक्शंस है जिसमें पहले टांगे कटी जाती थी, सो उन जो लिम्स को हम बचा सकते इस टेक्निक से। और यही एक ऐसी सर्जरीज हैं जिससे कि आप नई बोन करिए, आपके पास टांग है ठीक है, इन्फेक्शन के कारण हड्डी कितने भी इंच है वो ख़त्म हो गई, राइट। सो इससे पहले कोई ऑप्शन नहीं होती थी कि क्योंकि बीच में बोन नहीं है तो टांग को काटना ही पड़ता था। बिल्कुल। अब क्या होता है कि जो जितनी लाइफ बोन बची है हमारे पास उसको हम लेंथन कर देते हैं और वो नई बोन रीजनरेट हो जाती है। तो यही इस टेक्निक का बेसिकली जो मिरेकल है कि बोन की बोन को लेंथनिंग की जा सकती है, यानी बोन की जो लेंथ है उसको बढ़ाया जा सकता है, जो कि बिल्कुल आपने इस केस में भी यूज़ किया। तो एलिजारोव टेक्निक ऐसी टेक्निक है, रशिया से ओरिजिनेट होती है, लेकिन अब यहाँ पे स्पेशली ईएमसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में स्पेशलिटी है यहाँ की, स्पेशली लोग इस टेक्निक के लिए आते हैं और किसी भी तरह के ट्रॉमा केसेस या इंजरी के केसेस में ये पेशेंट्स के लिए एक वरदान प्रूव हुई है। और हम रोज़ ऐसे केसेस देखते हैं कि पेशेंट आते हैं, कितनी बुरी कंडीशन में आते हैं, वो बिल्कुल आराम से चलते हुए यहाँ से वापस जाते हैं। और यहाँ पर हमारी एक प्रॉपर टीम है। यस, एब्सोल्युटली, ठीक है ना, प्रॉपर टीम है जो इस चीज़ को डिस्कस करती है और उसके बाद हम वो पूरी डिस्कशंस के बाद वो उसको हम पेशेंट के ऊपर करते हैं। उसके मेरे साथ जैसे डॉक्टर कुलप्रीत हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिर मेरे साथ डॉक्टर प्रभजोत सिंह हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन यहाँ पर हैं, फिर हम दो और ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं डॉक्टर आदिल हैं डॉक्टर इमरान हैं। तो एक इतनी बड़ी टीम है जो इस टेक्निक के ऊपर या दूसरी टेक्निक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। सो ईएमसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स हैज अ वेरी टैलेंटेड टीम ऑफ प्रोलिफिक ऑर्थोपेडिक सर्जन्स फॉर एनी काइंड ऑफ बोन इंजरीज, ट्रॉमा और एनी केसेस ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट्स एज वेल। तो कोई भी पेशेंट जो अपनी कंसल्टेशन कराना चाहते हैं ईएमसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में किसी भी सेंटर में आ सकते हैं एंड दे आर मोस्ट वेलकम टू कंसल्ट एंड मीट विद आवर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स। Thank you.